कोरबा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने मंगलवार को अपने पहले सेट का नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आज अष्टमी के अवसर पर उन्हें निश्चित रूप से माता के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने तात्कालिक कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं द्वारा किए भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। प्रदेश में कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलने के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सपना देखना बताया, जो सपना ही रहेगा। विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा कोरबा में प्रमुख रूप से है। शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बाकी 18 को हम फिर जब भरेंगे पार्टी के साथ में अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के साथ में, उस समय पूरी बातें करेंगे। कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में